स्वागत है यार आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्टून वीडियो मेकिंग ऐप, जैसे कि MJO है, उस तरीके का एक ऐप है, उसका नाम है ट्विनक्राफ्ट। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ ट्विनक्राफ्ट, ठीक है। तो ट्विनक्राफ्ट कार्टून वीडियो मेकिंग ऐप, एनिमेशन ऐप, ऐसा कुछ तो इसका नाम है। तो इसको लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। इसकी रेटिंग है 3.7, जिसको कि 5,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसको रेटिंग दी है। तो इसकी साइज़ तो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है, बट ये काफ़ी बड़ा ऐप है, लगभग 200 MB के आसपास, ठीक है, 200 MB के आसपास। और काफ़ी ज़्यादा लोग इसको प्रमोट करते हैं, क्यों प्रमोट करते हैं मुझे भी नहीं मालूम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी असलियत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, और इसके जो डिमेरिट्स है, इसके कमज़ोर पॉइंट्स क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको डाउनलोड किया था। आप इसको इंस्टॉल करो और उसके बाद आप इसका लुक देख सकते हो। तो आप जैसे आओगे यहाँ पर, तो ये प्रोफाइल वगैरह ये कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाना है क्रिएट स्टोरी पर, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पूछे कि ये लॉगिन वगैरह करे तो वो आप कर सकते हो, बट मुझे तो याद नहीं कि लॉगिन करने के लिए कहा था या नहीं। यहाँ पर ये एरो दिख रहा है आपको ब्लू कलर में, इस पर ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आएंगे निकल कर कि बैकग्राउंड कौन सा लो, म्यूजिक कौन सा लो, टेक्स्ट कौन सा लो, इम्पोर्ट इमेज, यानी आप अगर आपकी खुद की कोई इमेज है या पर गूगल से आपने डाउनलोड की है उसका इमेज का यूज़ आप करना चाहते हो तो उसे भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, या फिर GIF इमेज, ठीक है, वो भी आप इम्पोर्ट कर सकते हो। तो और एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी होगी कि ये ऐप जो है ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप ऑनलाइन मोड में हो तभी इसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यार मैं यहाँ पर जाता हूँ बैकग्राउंड, थोड़ा सा बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ। तो बैकग्राउंड के लिए मैं सर्च करूँगा ये बीच, ठीक है, बीच सेलेक्ट किया, यहाँ पर वॉच नाउ पर क्लिक किया। तो इसका प्रॉब्लम क्या है इस ऐप का यार, ये ऐप है ना एडवर्टाइजमेंट पर ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो जैसे ही तुम किसी ऑप्शन पर क्लिक करोगे तुम्हारे सामने ये एड्स निकल के आएंगी। तो ये बीच अब आ गया है, ठीक है, बैकग्राउंड में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक कुछ तो कैरेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने पॉपुलर कलेक्टर्स, यहाँ पर गजनी दिख रहा है, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल, तो हमें तो कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं लेना है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ सैम को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक किया यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है इसका बहुत बड़ा, तो इसको आप कैंसिल भी नहीं कर सकते मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसको ऑटोमेटिक रन करने दो, जब तक शांत होगा ये एडवर्टाइजमेंट तब हम देखेंगे, क्योंकि मैं बैक नहीं जा सकता, ठीक है। यहाँ पर अगर क्लिक करूँ तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस ऐप की जो स्क्रिप्ट ऐसी बनाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कैसे हो, ठीक है, ये इसका पीछे का मोटो है। तो अब यहाँ पर सेकंड्स आना स्टार्ट हो गया, 14 हो गया, पीछे नहीं जा रहा, ठीक है भाई यार, ठीक है, ये चलो। तो यहाँ पर मैं कैंसिल करता, ठीक है। तो भाई ये कार्टून आ गया,
अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन काफ़ी सारे हैं। इसका आप मूड भी चेंज कर सकते हो, हैप्पी मूड रख सकते हो, फ़ोन पर बातें कर सकते हो, शौक है, एंग्री मूड है, सभी कर सकते हो। इसको मैं साइज जो है इसकी छोटी भी कर सकता हूँ। कहाँ पर गया, ठीक है। ऐसे आप अपने फिंगर से इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर सेटिंग में जाओ तो स्पीच की भी सेटिंग है, बट मैं यहाँ पर स्पीच की सेटिंग को कुछ करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं कैसे इसका यूज़ कर सकता हूँ, अब बैकग्राउंड मिल गया, सब मिल गया। आपको क्या करना है, आप जो भी रिकॉर्ड करना चाहते हो इसके ऊपर क्लिक करो और रिकॉर्ड करो। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। नमस्कार भाई लोग, आप कैसे हो, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है यार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब ये रिकॉर्ड हो गया, तो इसको मैं रन चेक करने के लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ प्ले कर, प्ले के बटन पर। तो ऐसा भी है, अब यहाँ से इसको तुम डिलीट भी कर सकते हो, रिमूव और रिमूव ऑडियो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब थोड़ी सी सेटिंग क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर स्पीच की सेटिंग जो है वो थोड़ी ऐसा रखने देता हूँ। तो इसको मैं चेक भी कर सकता हूँ कि ये किस तरीके से यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है यार। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं चेक करने के लिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, प्ले करता हूँ। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है यार। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो इसको मैं और भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं और नीचे लेता हूँ। तो आवाज़ में चेंजेस आ गए हैं, तो यही रहने देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्लिक करता हूँ इस साउंड को रिमूव करने के बाद। अब मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करता हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत है इस मोबाइल ऐप रिव्यू के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और अनलिमिटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आप पा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सेव करने के बाद मैं इसको प्ले करता हूँ। तो देखा किस तरीके से आप अपने साउंड को थोड़ा सा वेरी कर सकते हो, ठीक है, उसमें चेंजेस ला सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आप दूसरा कोई ऐसा कैरेक्टर यहाँ पर प्ले करें, तो यहाँ पर कैरेक्टर में जाना है, निक्की को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ यार, ये जो है यहाँ पर मैं दूसरी स्लाइड करता हूँ, दूसरी स्लाइड। अब जैसे ही आप ये इस स्लाइड का काम पूरा करोगे, तभी आपका ये ऑप्शन जो है प्लस का ये इनेबल होगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आना है, ठीक है। अब आप दूसरा कैरेक्टर भी यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भाई को लेता हूँ, पॉलिटिकल पर्सन दिख रहा है, ठीक है।
इसको सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ यार, तो चलिए चलते। हाँ वॉच नाउ, अब यार ये इस ऐड का जो है ना, ऐड का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ये ऐड जो है अब लगभग 20 सेकंड जो है यहाँ पर रहने वाली है, तो कुछ कर नहीं सकते हम, क्योंकि इस बंदे को चाहिए रिवेन्यू, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे अर्न किया जाए, इसलिए ये इतना ज़्यादा तरीके से ये यहाँ पर ऐड शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैंसिल करता हूँ, भाई आ गया है, तो इसको मूव कैसे करें, ये देखो ऐसे इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसको मूव कर सकते हो, ये आ गया गबरू भाई। ठीक है, तो मैं इसको मुंडी भी हिला सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, इसको मैं लेटा भी सकता हूँ, ठीक है 360 डिग्री के एंगल में, ओके इसके, ठीक है आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो अब क्या करें, तो इसको मैं चलाता हूँ, थोड़ा सा भाई को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा ना, तो मैं इसको करता हूँ, सैम को कहता हूँ, हेलो भाई आप कब आए यहाँ पर, तो ये सेलेक्ट करने के बाद चलो मैं इसको प्ले करता हूँ यही से, अब भाई का कुछ दूसरी स्लाइड लेता हूँ मैं, चलो अब भाई बोलेगा, हे श्याम तुम यहाँ पर बीच पर क्या कर रहे हो, अरे मेरा तुमसे कुछ काम था, तो अब भाई यहाँ पर बोलेगा, तो ऐसा करने के बाद अब इसको पूरी स्लाइड को आप जितना मर्जी चाहो उसको अनलिमिटेड स्लाइड डाल सकते हो, ठीक है उस तरीके का आप कार्टून यहाँ पर वीडियो बना सकते हो। ठीक है, तो सब वीडियो में प्ले करूँगा क्योंकि तीन, तो यार एक मिनट, 1 मिनट, तो मेरा जो था उस स्क्रीन थोड़ा चला गया था, यही प्रॉब्लम था, तो ठीक है ये है यार, इस तरीके से तुम जो है अपना वीडियो बना सकते हो, बट यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है कि तुम यहाँ पर जो है इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हो, ये इसका प्रॉब्लम है, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एक्सपोर्ट के ऊपर, ये मुझे कह रहा है कि तुम गूगल से साइन ऑन हो जाओ, तो ये जो है सिर्फ प्रोसेसिंग ही करता रहेगा, प्रोसेसिंग ही करता रहेगा, ऑथेंटिकेशन लाता रहेगा, मैंने इसको ट्राई किया है बहुत ज़्यादा, बट ये जो है सक्सेसफुली नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ऐसा है यार इसका प्रॉब्लम, ये सबसे बढ़िया ड्रॉबैक है इस ऐप का, तो यही रीज़न है कि बहुत सारे लोगों ने इसको 3-4 से भी नीचे इसकी रेटिंग दी है। तो मैं यहाँ पर बैक आने की कोशिश करता हूँ, हालांकि अब ये बैक भी नहीं आएगा, ठीक है बैक नहीं आएगा। अगर तुम अच्छा खासा वीडियो बनाओ और तुम उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, उसका यूज़ नहीं कर सकते हो, तो उस वीडियो का यूज़ क्या है, ठीक है वो एकदम बकवास है, एकदम उसको कुछ मतलब ही नहीं। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है यार इस ऐप का, तो मैं इसको रेटिंग देता हूँ 5 out of 5 ठीक है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट काम है वो ही नहीं कर सकता, डाउनलोड नहीं कर सकता अपना वीडियो जो भी हम बनाते हैं, तो
उस ऐप का मतलब ही क्या है, कुछ नहीं रह सकता। ठीक है, तो अब आ गया है यार यहाँ पर अपना नाम वगैरह, शायद ये डाउनलोड हो जाएगा या नहीं मुझे नहीं मालूम। एंटर योर नेम क्या है, चलो यही नाम डाल दो तो कंटिन्यू। तो शायद ये डाउनलोड होगा, शायद इसने चेंजेस किए क्योंकि मैंने इस ऐप को अभी अपडेट किया था, तो बट बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यार इतना ही, बट मुझे उतना खास यह ऐप नहीं लगा क्योंकि इसमें डाउनलोडिंग प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, डाउनलोडिंग प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा आता है, तो